नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो कि रात के 9:30 बजे हम ले रहे हैं और हमारे साथ कुछ बच्चे ज्वाइन है डिफरेंट लोकेशन से। तो देखिए हम किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अगर आप भी लेना चाहें तो मेरी वेबसाइट ipt.com पर जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के ले सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में हरीश जी एंड आदिल खान जी हमने टेक्स्ट फॉर्मूले पे डिस्कशन किया था और टेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर हमने आपको बताया था किस तरह से इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले का। अब चलिए उसी के कुछ और चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लासेस में लेफ्ट राइट मिड की मदद से सेपरेशंस के बारे में और फाइन लगा के सेपरेशंस को डायनेमिक करने ऑटोमेट करने के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम बात कर रहे हैं दोनों को ज्वाइन करने के बारे में। मान लीजिए दो सेल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया सुजीत एंड अगले सेल में लिख दिया कुमार। मुझे इन दो सेलों को आपस में कंबाइन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कॉनकैटेनेट का। उस कॉनकैटेनेट की मदद से हम दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। सुजीत कुमार आ गया, उसके बाद इसको हम यहां से स्पेस देते हैं, सेपरेटेड के लिए दे सकते हैं। तो एक तो कॉनकैटा नहीं होता है, दूसरा हम एंड परसेंट से भी कर सकते हैं कि इक्वल इसको सिलेक्ट किया और एंड परसेंट वापस स्पेस दिया और फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एंड परसेंट से भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो कॉनकैटा नेट हमारा फॉर्मूला हो गया, एंड परसेंट हमारी शॉर्टकट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप डेट या कुछ इस तरह के नंबर के साथ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ और आज की डेट डाल दी, कि मैं फॉर्मूला करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दिया कॉनकैटेनेट, हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉमा स्पेस दे के हमने वापस इसको सिलेक्ट एन परसेंट भी लगा दिया या टू देना चाहते हो तो मैंने यहां पे टू दे दिया तो आ गया, ठीक है। तो ये नंबर आ जाता है क्योंकि फॉर्मेटिंग को फॉर्मूला पिकअप नहीं करता है, रीड नहीं करता है, तो ये फॉर्मेटिंग है इसको रीड नहीं कर पाया। तो हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉनकैटेनेट लगाने से पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो जब भी आपको डेट वगैरह पे कुछ करना हो तो हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वल टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया कॉमा dd/mm/y, ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉनकैटेनेट या एंड परसेंट साइन लगाएंगे तो फिर इसमें डेट आएगा। ध्यान रखिएगा कि सेम जैसा फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग के जरिए अगर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समझिए सर, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर आप लोग को? अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले के बाद। अब इसमें कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उन छोटे छोटे फॉर्मूले को टेक्स्ट में देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डॉलर की और फिक्स्ड की। अभी क्या होता है कि आगे से कोई फॉर्म वगैरह आप बनाते हैं तो कभी कभी गलती इसके ऊपर टाइम का फॉर्मेट अप्लाई हो गया या डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो गया तो डेट दिखता है। लेकिन आप चाहते हो कि किसी का फॉर्मेट अप्लाई हो तो हमारा ये फॉर्मेटिंग अपना चेंज ना करे तो उस अमाउंट को आप खाया तो डॉलर के अंदर में डालें या फिर फिक्स के अंदर में डालें। तो फिक्स में डॉलर का साइन नहीं आएगा और डॉलर में डॉलर का साइन होगा। अब इसके ऊपर आप किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग अपना चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट होता है कि आपने इफ फॉर्मूले सीखे, यानी इफ के बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिखाए। अब इसमें क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। राम और इक्वल टू राम इसको आपस में सही मानेगा, इसको मैच कर देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार एग्जैक्ट होना चाहिए लाइक पासवर्ड, तो उस केस में आप इक्वल लगा मतलब कि ऑपरेटर लगाने के बजाय एग्जैक्ट वर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जब तक वो सेम मैंने स्पेलिंग नहीं होगी तब तक वो ट्रू नहीं करेगा। तो ये मैं आराम कर दिया तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट आता है हमारा केस चेंज करने का। गुड इवनिंग। केस को चेंज करने की कि अगर हम केस चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सुजीत, तो मैं इसको अपर में करना है तो हमारे पास अपर का फॉर्मूला होता है, तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते। उसके बाद मेरे पास लोअर का फॉर्मूला होता है जो कि लोअर केस में कन्वर्ट करता है, और एक हमारे पास अपर का फॉर्मूला होता है प्रॉपर का फॉर्मूला। आदिल खान जी म्यूट कीजिए प्लीज, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है बहुत। प्रॉपर प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर में कन्वर्ट कर। आदिल खान जी प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, आप शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से, तो कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिएगा, काफी शोर आ रहा है काफी ज्यादा। तो प्रॉपर अपर एंड लोअर ये हमारे पास होता है। और चलिए और क्या फॉर्मूला इसमें देखते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले तो हम कर ही चुके हैं, इसमें कुछ और फॉर्मूले के बारे में देखते हैं, जैसे कि रैप्ट का फॉर्मूला, और उसके बाद है टी का फॉर्मूला, और उसके बाद है हमारा वैल्यू का। तो सबसे पहले बात करते हैं टी का फॉर्मूला का। जैसे कि हमने एक ही कॉलम में नंबर भी लिख रखा है एंड टेक्स्ट भी लिख रखा है, नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। मैं सिर्फ टेक्स्ट को शो करना चाहता हूँ, नंबर को शो नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास टी का फॉर्मूला है। टी का फॉर्मूला क्या करता है, जस्ट नंबर को शो करता है, टेक्स्ट को शो, नंबर को ब्लैंक कर देता है, टेक्स्ट को शो करता है। और n का फॉर्मूला लगाएगा तो सिर्फ नंबर को शो करेगा, टेक्स्ट को जीरो कर देगा। तो दो फॉर्मूले अब्सर्व होते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग सिंगल कोट लगा के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, टेक्स्ट हो जाता है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला है कि इस पे अगर आप प्लस जीरो कर दें तो नंबर में हो जाएगा, या आप मल्टीप्लाई बाय वन कर दें तो नंबर हो जाएगा, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन करोगे तो नंबर में हो जाएगा। या फिर एक्सेल का वैल्यू का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें तो आपका नंबर में हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है तो, अगर टेक्स्ट लिखा है तो उसको तो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक जो एक्सेल की चीज हो गई, वो चीजें थी वो हो गई। अब चलिए कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है कि एक फ्लाइट क्लास है, एक टिकट पे कितनी फ्लाइट की क्लास हुई है वो लिखा हुआ है, बी क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास एंड फर्स्ट क्लास। हुआ ना सर, जैसे कि आप अगर मान लीजिए पुणे से आप जा रहे हैं मियामी, तो पुणे से मियामी का डायरेक्ट फ्लाइट तो आपको नहीं मिलेगा, पुणे से मुंबई आना पड़ेगा, मुंबई से फिर आपको न्यूयॉर्क या वाशिंगटन जाना पड़ेगा, फिर वहां से मियामी का, तीन चार फ्लाइट चेंज होंगे। हर फ्लाइट में सेम क्लास मिलने की तो गारंटी नहीं है।
तो अलग अलग क्लासेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टिकट नंबर तो एक ही होगा, तो अब हम केस के फ्लाइट क्लासेस के ऊपर जो है हम कमीशन देते हैं। तो मुझे काउंट करना है कि कितने इस टिकट में कितने बिजनेस क्लास है, कितने इकोनॉमी क्लास है, कितने एफ क्लास। डेटा कुछ इस तरह से तो लिखा हुआ है। अगर हम टेक्निकली आपको बताएं तो टेक्निकली यह है कि एक सेल के अंदर में एक लेटर कितना बार लिखा है मुझे इसका काउंट करना है। तो काउंटिंग बग तो सेल के पूरी सेल वैल्यू को मैच करता है, लेकिन मुझे सेल के अंदर की चीजें करनी है। तो कैसे करें, अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तो वो नहीं देगा ना, आप नहीं समझे। काउंट इफ क्या करता है कि सेल वैल्यू को काउंट करता है, सेल के अंदर कितना बार रिपीटेड है वो नहीं करेगा। वो एक सेल को एक मानता है, एक वन ही ओनली वन ही रिजल्ट आएगा, टू कभी नहीं आएगा रिजल्ट। समझ गए? मतलब कि अगर ये पता करना होता है कि पूरे कॉलम में ई कितने बार आ रखा है, चाहे किसी के साथ या सेल, तो उस समय काउंट इफ में आपका मेथड चलता है, राइट? लेकिन मुझे यहां पता करना है कि एक सेल के अंदर कितना बार लिखा हुआ है, यहां तो काउंट इफ का मेथड नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा आपको कि मैं यहां पे लगाऊंगा अपना कुछ मेथड। सबसे पहले मैं लेन का फॉर्मा लगाऊंगा, इसकी कंप्लीट लेंथ निकाल लूंगा। फिर मैं यहां पे फॉर्मा लगाऊंगा मिड का, ठीक है? मिड फॉर्मूला क्या करे, माफ कीजिएगा, मिड ओके अगला से बोल दिया, सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला करेगा कि इसमें से बी को रिमूव कर देगा ब्लैंक से, ठीक है? फिर वापस हम लेन लगा देंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, पहले हमने पूरा काउंट किया कितने टेक्स्ट हैं, फिर हमने जिसको हमें काउंट करना उस टेक्स्ट को रिमूव कर दिया और फिर उसकी काउंट निकाल के फिर उसको माइनस कर दिया। अब इसको एक साथ लगाना है, एक साथ में आप कॉपी पेस्ट जो हमने फॉर्मूला नेस्टिंग मेथड सिखाया था उस मेथड का उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ बी पे पेस्ट कर दिया, फिर अगेन इसको कॉपी करते हैं और इस पे सी टू पे पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको डी टू पे पेस्ट कर देते हैं। वन, ठीक है सर? अब दूसरा एग्जाम्पल यहां पे आ रहा है, जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है सुजीत नेम लिखा हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि मैंने यहां पे लिखा नेम, नेम में यहां पे मैंने लिख दिया सुजीत कुमार सिंह, राइट? मुझे इसमें से फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम निकाल दिया, क्लियर है? तो हम आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने फाइंड का फॉर्मूला था, तो फाइंड फॉर्मूले में मैंने स्पेस लगाया और इसमें से कॉमा वन कर दिया, 7 आ गया। फिर मैं वापस फाइंड फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं बोलूंगा स्पेस और इसको सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें भी अगर मैं वन दे दूं तो 7 ही आएगा ना, लेकिन मुझे चाहिए दूसरा स्पेस कि कुमार के बाद जो स्पेस है वो स्पेस चाहिए। तो उस केस पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और प्लस वन कर देंगे। तो ये क्या होता है कि स्टार्ट नंबर की फाइंडिंग जो है कहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैंने बोला कि भाई 7वें स्पेस के बाद से करो, 8वें से करो, 8वें कैरेक्टर से। तो कैसे करेगा, तो इसके स्पेस ही मिलेगा, तो इसकी काउंटिंग को 13 दिखाएगा। तो मुझे पता चला कि पहली स्पेस ए है, दूसरी स्पेस ए है, तो
तो मैं यहाँ पे फॉर्मा लगाऊंगा लेफ्ट का, और लेफ्ट में इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा भैया 6-1 की स्पेस से पहले वाली वैल्यू तुम यहाँ पे डाल दो। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला मिड, इसका मिड का, और मिड में बोलूंगा देखिए जो इसका बीच है स्पेस के बाद से स्टार्ट है, स्पेस प्लस वन और कितना है तो दूसरा स्पेस माइनस पहला स्पेस वाली वैल्यू को निकाल दो, कुमार आ जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाया और इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है इस कंप्लीट लेंथ में से माइनस कीजिए 13 को, तो इसने 13 को माइनस कर दिया तो हमें क्या आएगा सुजीत कुमार सिंह, समझ गए। तो ऑटोमेटिक तीनों नाम को मान लीजिए मैं राज कुमार सिंह लिखा तो तीनों को अलग अलग कर देगा अपने हिसाब से। ये फॉर्मूला समझ आ गया आप लोगों को। अब बाद में ये दोनों हैं तो इनको मर्ज कर दीजिए, वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां क्या है आपका ए टू बी थ्री प्लस वन, बी थ्री जो है बी थ्री की जगह पे बी थ्री का फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा और जहां जहां बी थ्री है वहां वहां भी इसको फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, यहाँ बी थ्री है और फिर मैं यहाँ भी बी थ्री है ना बी थ्री प्लस वन और यहाँ भी बी थ्री है और फिर जहां पे सी थ्री है उस सी थ्री को सिलेक्ट करते हैं और सी थ्री जहां जहां है जैसे कि यहाँ सी थ्री है यहाँ पे सी थ्री डाल दिया और यहाँ भी सी थ्री है यहाँ सी थ्री डाल दिया फॉर्मूला। अब एक साथ लगाने में कंफ्यूजन हो सकती थी, हमने अलग अलग लगाया और उसको आपस में कंबाइन कर दिया। अब अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है रैप्ट का। अब रैप्ट फॉर्मूला क्या करते हैं इसको समझिए कि रैप्ट फॉर्मूला करता है कि किसी करेक्टर को जैसे मैंने बोल दिया ए, ए को जितना बार बोलोगे मैं पांच तो पांच बार रिपीट कर देगा। तो रेप क्या करता है जो भी वर्ड करेक्टर सेंटेंस आप उसके अंदर में लिखोगे उसको उतना बार रिपीट कर देगा, राइट। अब मैं यहां पे कुछ सेल्स यहां देता हूं तो आप लोग क्या करते हैं कि इसके लिए इसको और बेटर दिखाने के लिए मैंने बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास डेटा बार का ऑप्शन है पर प्रॉब्लम क्या है जो डेटा बार आपने बनाया है दो चीजें, पहले तो ये 2000 से 13 वगैरह में या ऑफिस ओपन ऑफिस या वार्जी वगैरह में नहीं, दूसरा ये फॉर्मेटिंग है तो इसको हम फॉर्मूला या किसी और जगह पे कॉल नहीं कर सकते, समझ गए। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जो कि हम लोग यूज करते थे कि हम लोग यहाँ पे रैप्ट का फॉर्मूला लगाते थे, रैप फॉर्मूले में हम लोग इसको दे देते और फिर हम इसको सिलेक्ट कर देते तो वो उतना बार रिपीट कर देता था, कर दिया। अब मैं इस अब यहां पे हाँ जी हाँ तो मैं वही बता रहा हूं ना, देखिए ना भावड़ा की बात है, इसमें आप एक ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉर्मेट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड वो लगाने भी इस तरह से हो जाएगा, लेकिन जैसे भाई एग्जिस्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा नंबर हो ज्यादा एग्जिस्ट होगा तो आप एक बार देख लो इसका एवरेज कितना बन रहा है उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दीजिए। मैंने इसको लिया और मैंने यहां इसको 20 से डिवाइड कर दिया या 5 से डिवाइड कर दिया, एक लीटर से सबको डिवाइड कर दिया ताकि ये छोटा बन जाए, ठीक है। अब इसकी बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, क्या डायनेमिक मतलब डायनेमिक है पूरा देखिए हाँ, तो अगर नंबर ज्यादा होता है
तो उसके लिए इसका मैंने कि मिनिमम मैक्सिमम कुछ ऐसा ले लीजिए या एवरेज ले लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसा ज्यादा होता है, जब मैं 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 5 की जगह पे आप एवरेज ले लीजिए। हाँ, एवरेज, एवरेज से डिवाइड कर दीजिए सबको। एवरेज माइनस मिनिमम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, या मैक्स मिनिमम। हाँ, तो उतना कम है इसलिए ऐसी दिक्कत है। तो कुछ ऐसा आपको लिखना, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। ऐसा 5 है तो आप एक काम कीजिए, 20 से कर दीजिए। ऐसा है तो कुछ ऐसे कि इसका मान लीजिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 300 है, तो उसी हिसाब से ले लीजिए 5 का मल्टीप्लिकेशन, या कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नंबर को, ऐसा कोई नंबर निकालना पड़ेगा जिसे सब आ जाए। जैसे 20 हमने निकाला ना, 5 ठीक है। तो अभी आप लोग अपना हो एक, ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पे फिनिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ काम देना चाहता हूँ। दो काम है, एक जो मुझे अभी आपको जो लेफ्ट राइट मिड का जो नेम दिया ना, इसी में मैं आपको काम देना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम है माना, और मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना है। ये क्वेश्चन है।